देखिए धीरम कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देखिए इन लोगों की गैंग ये सब हमें बोलन दो। धीरम कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मार पीट गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को। आइए भैया, आइए भैया पीटिए। हाँ भैया जय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर बोल करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए इन लोगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया है। सारे रोटी भोसड़ी के हरा रोटी खा। जो मरे कहो भोसड़ी के तो फिर आप मारा हाथ लगा भोसड़ी के बब्बा तुम नीचे चले जा। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारे घर में अपनी गैंग के साथ हमारी मम्मी हमारी नानी को मारा। देखिए ये लोग इनकी गैंग साले ग्राम गर्ग ने धीरेन्द्र हमला किया। भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए ये लोग देखिए क्या क्या लाए थे घर में घुस के मारा। जा यार भैया बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा। देखिए इन लोगों को। देखिए सब लोग आए थे। देखिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा अपनी गैंगों के साथ। देखो हमारी मम्मी को गाली देते हुए क्या हुआ आपके साथ? सर मैं उसके मारे धीरेन्द्र के छोटे भाई जा रहे साले ग्राम गर्ग में किस बात को लेकर कह रहे थे तेरा भाई कहाँ है ऐसे ही बोला। आपके भाई का नाम क्या है? जीतू तिवारी। कह रहे तेरा भाई कहाँ है मुझे साहब कहाँ होगा महाराज जी का बताओ। बोले कुछ नहीं उसने मेरे पैसे वो हमारा हफ्ता उसीलिए जो होता है उसका पैसा दो। हम लोग साहब कहाँ से दें कह रहे थे मकान का दो कहीं धंधे का दो हम कहाँ से दें साहब। कितने लोगों को मारा? 50 लोग हते साहब भी हो रहे हमारे घर में रात में भी आए और दिन में भी फिर आए। रात में धमकी दी मानने की। हम तो जीतू की कौन है आप? हम जीतू की बड़ी बहन है। रात में आए धमकी दे रहे थे कह रहे थे हम घर से उठवा लेंगे हम जिसाब उठवा लेंगे जो दिखाव कर लेना। तो मेरे आँख मार फूट करने लगे। सालेग्राम कौन है? सालेग्राम धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई सालेग्राम गर्ग। अच्छा हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा हमारी बिटिया के कपड़े फाड़ा रही वो बहुत बुरी बुरी गाली दी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई का वो वीडियो कल से लगातार सोशल मीडिया पर। क्या वीडियो क्या पूरी? श्री सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर धाम के लाडलों की जय हो। आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं और हमारा मन क्षुब्ध भी है। हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है
इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई की करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं। और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा हैं। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे, और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं। प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें, हमारा आपके साथ है। धन्यवाद।